नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बीते दिनों मवाना तहसील के थाना हसनापुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव गुड़ा में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति और चौराहे को गुर्जर चौक लिखने को लेकर गुर्जर नेता आकाश गुर्जर ने मौजूदा विधायक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था, जिसको लेकर कई पंचायतें भी हुई और आकाश गुर्जर के साथ करीब 2 से 2.5 दर्जन सहयोगियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए। अब चुनाव के नजदीक आते ही हस्तिनापुर विधानसभा को गुर्जर बाहुल्य होने के कारण मौजूदा विधायक दिनेश खटीक द्वारा गुर्जर नेता आकाश गुर्जर के आवास पर जाकर क्षेत्र के लोगों के बीच सुलहनामा कर लिया गया, जो कि मतभेद थे वो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं साथ ही कहा गया कि गुर्जर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का दावा हम करते हैं और वादा करते हैं, इस दौरान हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही प्रियपाल जठेड़ी, जितिन पोसवाल प्रमुख, रोहतास पहलवान, मनवीर खिड़की, नारसरपुर मोरना, पलरा, पाली निडावानी के सैकड़ों लोग मौजूद नजर आए। और अब खबर अयोध्या जिले से, जहां बेला थाना क्षेत्र के सहार कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों के चलते एक बर्तन की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दुकान के अंदर रखे हुए सिलेंडर लीक होने से आग लगने की बात सामने आई है। बेला थाना क्षेत्र के सहार में एक पूर्वाधान स्वामी एक दुकान में आग लगी हुई है, क्या कारण रहा, किस तरीके से आग हुई है? ये सूचना मिली है थाना बेला क्षेत्र के सहार कस्बे में। एक कोई गुप्ता जी हैं, उनकी बर्तन की दुकान थी और उसमें अचानक आग लग गई। सूचना पर तुरंत पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई है, फायर सर्विस की गाड़ी बुला करके आग पर काबू पा लिया गया है और अभी स्थिति सामान्य है। और ऐसी जानकारी हो रही है कि कुछ लोगों ने बताया कि शायद ये कुछ सिलेंडर्स भी वहाँ रखे हुए थे, जिसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, अगर इस तरीके का कोई बात प्रकाश में आएगी। वहीं औरैया के विधुना की पुलिस क्राइम रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। दोहरे हत्याकांड के बाद एक और शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दोहरे हत्याकांड के घटनास्थल से लगभग 30 मीटर की दूरी पर खंडहर में मिला एक युवक का शव, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तीसरा शव मिलने से विधुना पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले 21 जनवरी को बरेली के अंदर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन कराएंगे, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार को शुरू हो रही नामांकन की प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी ने नामांकन स्थल का जायजा लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है। बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। 21 जनवरी से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल तो यहां पर चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक प्रत्याशी के साथ 2 ही लोग आने की अनुमति दी गई, साथ ही साथ प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक प्रत्याशी के साथ 2 ही लोग सामने आएंगे, साथ ही साथ उन्हें मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज का प्रयोग करना पड़ेगा, तमाम लेखा जोखा होगा। फिलहाल इस बीच बरेली के आलाधिकारियों ने कहा, साफ तौर पर कहा है कि कोई भी प्रत्याशी ढोल लगाड़े के साथ नहीं आएगा और ना ही कोई शोर शराबा होगा। फिलहाल तो इस बीच सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए बरेली से आसिफ अंसारी। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जमीरा गांव के निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता और रुद्रपुर विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार प्रत्याशी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं लगातार रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गाँव में घूम रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने पूरा मूड बना लिया है कि फिर उत्तर प्रदेश में एक और बार कमल ही खिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं लगातार जनता की समस्याएं सुनी है और उन्हें तुरंत निस्तारण कराने की प्रयास करता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि फिर एक बार कमल खिलाना है। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी में पिछले 32 सालों से काम किया है और मुद्दे हमारे स्पष्ट हैं। केंद्र सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक है और इसीलिए डबल इंजन की सरकार हम लोग सदैव कहते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जरूरी है और थी तभी जो है केंद्र की जो नीतियां हैं वो प्रदेश में हमने इम्प्लीमेंट किया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो अंत्योदय की योजना हो या गरीबों को आवास देना हो, गरीबों को जो है वो वजीफा देना हो, मतलब जितनी योजनाएँ थीं वो सब हमने जो है वो केंद्र सरकार के निर्देश पर हमने इम्प्लीमेंट किया।
फिरोजाबाद में देर शाम रिश्तेदारी में शोक सभा में शामिल होने जा रहे बाइक सवार मां बेटे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा मामूली रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो इसमें कोई खत्म भी हो गया क्या? हाँ, हमारी चाची खत्म हो गई है। क्या नाम था उनका? उनका था वो क्या नाम है, पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। किस जगह की घटना है ये? जी घटना साहब यहाँ की है, पेट्रोल पंप के सामने एसबीएल। मेरठ पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गंगानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गोरखपुर में प्रत्याशी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ धोखा हुआ है इसलिए उन्होंने इस तरह का मन बनाया है। चंद्रशेखर आजाद ने पूर्व सरकार में राज्य मंत्री रहे मुकेश सिद्धार्थ को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उनके बेटे को हस्तिनापुर विधानसभा की सीट से प्रत्याशी बना दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, सुनिए। मेरठ में जो विधानसभा का आम चुनाव की जो विधानसभा है उनमें हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत से लड़ेंगे और आज एक जिम्मेदार साथी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के हमारे साथ जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी जो है उनके सम्मान का और इनके हितों की रक्षा जो है उनको आगे बढ़ाने का पार्टी करेगी। अभी कुछ ही देर में पार्टी की जो है ना पहले फेज की लिस्ट जो है जारी होगी और मैं समझता हूं कि हमारे प्रत्याशी जब मैदान में उतरेंगे तो वो अपनी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में चुनाव में देंगे। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो परिवार जिसको मैंने गले लगाया ये हमारा परिवार है और ये भी इस परिवार को भी दुख है, पीड़ा है, इनके साथ धोखा हुआ और ये धोखा वहीं से हुआ जहां से मेरे साथ धोखा हुआ था। तो मैं अपने भाई से कहता हूं कि आप, हम सब साथ हैं, आप चिंता मत करो, आप किसी के भरोसे मत रहो, हम बहुजन समाज बहुत मजबूत है, वो अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ेगा और चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है और आपको देखने मिलेगा कि लड़ाई मंडल और कमंडल की है और इसमें मंडल की जीत होगी और कमंडल की हार होगी। धन्यवाद। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। लखनऊ समाजवादी दफ्तर में इसके लिए आवेदनों की लंबी फहरिस्त है। पूर्व सभा विधायक राधेश्याम जायसवाल से लेकर बीजेपी से सपा में शामिल हुए सिटिंग एमएलए राकेश राठौर तक और संतोष प्रजापति से लेकर अशफाक खान सभी टिकट चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का टिकट किसकी झोली में गिरेगा अभी कह पाना मुश्किल है। सुल्तानपुर में आज भी कोरोना का बम फूटा है। आज 142 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 31 व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ हुए। अभी तक जिले में 677 कोरोना के एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं। बदायूं की बिलसी थाना क्षेत्र में होमगार्ड की तरफ से एक पकौड़ी विक्रेता से गाली गलौच और मिठाई किए जाने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आरोप है कि होमगार्ड ने पकौड़ी विक्रेता से सर्दी में अलाव जलाने के लिए उपले मांगे थे। पकौड़ी विक्रेता ने होमगार्ड को उपले देने से मना कर दिया, जिसके चलते होमगार्ड पकौड़ी विक्रेता पर गुस्सा हो गए और गाली गलौच करने लगे। बलिया के बाजरी कोतवाली थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने काली मंदिर स्थान पर लगे झंडे और हनुमान ध्वज को उखाड़ कर फेंक दिया। बता दें कि इसके पहले भी सावन महीने में काली स्थान पर विवाद हुआ था, जिसका शिकायत पत्र ग्रामीणों ने सुल्तानपुर चौकी को दिया, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने उल्टे ग्रामीणों पर SC/ST एक्ट के तहत लगभग 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होने से काफी नाराजगी दिखाई है। काली माँ के मंदिर को लेकर के विवाद है, जिसमें सावन की माह में पूजा हो रहा था उसमें विवाद हुआ, हमारे पक्ष के लोगों पर मुकदमा भी हुआ। वर्तमान समय में 2-3 दिन पहले वहाँ के जो जिससे विवाद है वहाँ के हनुमान जी के मंदिर जो स्थापना किया गया था उसको तोड़ दिए और वहाँ का झंडा उंडा उखाड़ करके फेंक दिए हैं। चौकी पर हम लोग जा करके 10 लोग अपना वो अथी दिए। आइए, आने वाले दिन में अगर पुलिस प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई अगर नहीं कर रही है तो पूरे गाँव से अथी होकर के कोई भी विवाद यहाँ पर हो सकता है।
ये मंदिर मस्जिद का विवाद जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पहले से भी इस पर मुकदमा हुआ है, लेकिन ये सैकड़ों साल पुराना है मंदिर। कैसी मंदिर है वो? ये काली माँ का मंदिर है जी। वहाँ बजरंग बली का एक झंडा भी गाड़ा जाता था और बना हुआ था, उसकी चारदीवारी भी चारों तरफ से है, और उसको तोड़ ताल कर सारे लोग जो है वहाँ से ईट पत्थर भी उठा लेंगे और वहाँ जो है गड्ढा खोद करके अपना सेफ्टी टैंक बनवा चाहते हैं। ये काली माँ का स्थान है, सैकड़ों वर्ष से वहाँ पर स्थापित है। वहाँ पर महावीर जी का मूर्ति था, पहले से महावीर जी का स्थान था, हमेशा पूजा होता चला आ रहा था। इस साल जो है जो पीछे सावन में पूजा होता है उसमें सुभाष और उसकी पत्नी जो है ये लोग जो है वहाँ पूजा जो है करने में मतलब कि परेशानी कर रहे थे, दरखास्त ऊपर भी दिया गया था चौकी पर, अपना अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटा रहे थे। गांव के लोगों ने मिल करके वहाँ से जो अतिक्रमण हटा करके पूजा वूजा जो है किए। कानपुर में आउटर स्टार टीम और बिधुना थाना अध्यक्ष अतुल सिंह को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर बिधुना पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने घाटमपुर के खेत में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापे मारे और मौके से भारी मात्रा में देसी असलहे और अधबने असलहे भी बरामद किए हैं। कानपुर आउटर में थाना बिधुनू के अंतर्गत एक असलाह फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसके तहत तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जगजीवन पासी, शिवरन और पंकज यादव, ये तीनों घाटमपुर के निवासी हैं और इनके कब्जे से 20 अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद अद्धी और दो अदद अद्धी 315 बोर, कुल मिला के 23 और तीन अर्ध निर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। साथ में शस्त्र बनाने के उपकरण एवं औजार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये शिवरण पुत्र सूरज प्रसाद निवासी गलरियापुरवा थाना घाटमपुर, जिसके घर के पास से यह सामान और असलाह फैक्ट्री बरामद हुआ है। बहुचर्चित हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को टिकट देकर विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कही थी। पीड़िता के भाई ने कांग्रेस को टिकट देने के बारे में कहा कि कांग्रेस ने हमें इस लायक समझा, उनका स्वागत करते हैं। मामला भी कोर्ट में चल रहा है, 1.5 साल हो गया है, अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस ने, हमने तो न्यूज में सुना था, ये बात का चर्चा रही थी, उसके बाद मीडिया भी काफ़ी लोगों ने फ़ोन करा कि आप लड़ना चाहते, तो हमने यही बसे रखा था कि हम लोग, हमारा जो केस है मरा अभी न्याय मिला नहीं, अभी हमारा केस चल ही रहा है, अभी पूरे निर्णय पूर्ते हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी तो नहीं लड़ सकते क्योंकि हम लोग शहर की सुरक्षा हम लोग अपना कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हम लड़ेंगे क्या? हमारा सबसे पहले मुद्दा है न्याय के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुरादाबाद की 6 विधानसभा के उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 21 जनवरी से 28 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। प्रत्याशी के साथ केवल 2 ही लोग नामांकन के लिए जा सकेंगे। नामांकन केंद्र में ऑनलाइन नामांकन करने वाले प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन का प्रिंट आउट लेकर नामांकन केंद्र पर जमा करना पड़ेगा। नामांकन और मतदान के समय कोविड के सभी नियमों का पालन भी किया जाएगा। जनपद मुरादाबाद में द्वितीय फेज में चुनाव का नॉमिनेशन प्रारंभ होना है। ये 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का इसमें समय दिया गया है नॉमिनेशन के लिए। तो नॉमिनेशन जो भी हमारी 6 विधानसभाएं हैं जनपद की, उन सभी का नॉमिनेशन इस कलेक्ट्रेट के इसी सभागार में होना है, जिसी के चलते ये सारी तैयारियाँ हैं इस समय यहाँ पर की जा रही हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था है? हाँ, इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि नॉमिनेशन के लिए जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसको उसका एक प्रिंट निकाल कर फिजिकली भी यहाँ पर आरओ के पास उसको जमा कराना होगा। क्या ऑनलाइन अनिवार्य है या नहीं? ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है वो ऑनलाइन करने के लिए भी स्वतंत्र है और फिजिकली आकर भी फॉर्म को वो आवेदन कर सकता है। क्या तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं? तैयारियाँ अभी चल रही हैं, कमरों की जो कोर्ट रूम में जिसमें नॉमिनेशन किया जाएगा वो तैयार किए जा रहे हैं, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, पुलिस की ड्यूटी लगभग तैयार हो चुकी है और लोगों को व्यवस्थित करने के लिए जो भी प्रपोजर्स आएंगे कैंडिडेट के साथ में उनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ बल्लियों की इन सब की व्यवस्थाएं भी यहां पर की जा रही हैं। मुरादाबाद के रामपुर हाईवे मूढ़ा पांडा क्षेत्र में
असम से चाय की पत्ती ला रहे ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक रेलिंग तोड़ने के बाद खाई में जा पलटा। ट्रक पलट जाने से चालक और परिचालक दोनों ट्रक के कैबिन में दब गए। उन दोनों की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला। घायल चालक को राहगीरों ने निजी अस्पताल में भर्ती करा। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान अब्दुल्ला आजम जेल में बंद अपने पिता आजम खान का जिक्र करते हुए रो पड़े। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से चमत्कार होते देखा है। जो मेरे पिता लखनऊ में अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित थे और जिंदगी की उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन किसी की दुआ ने उन्हें बचा लिया। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जब मेरे पिता ने बेहोशी की हालत में थोड़ी देर आंखें खोलकर मुझसे कहा कि बेटा मुझे कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अब नहीं बच सकता, ये वाक्य सुनते ही अब्दुल्ला आजम आंसुओं से फूट फूट कर रोने लगे। वहां मौजूद अब्दुल्ला आजम के समर्थकों ने उनको हिम्मत दी। और नहीं कर रहा इस तारीख को, यहां पर जितने सीनियर लोग बैठे हैं वो सब इस तारीख से बात है। ये तारीख अगर सबसे ज्यादा किसी को जानना जरूरी है तो उन नौजवानों को ये जानना जरूरी है कि हम कौन बदनसीब लोग हैं, हम कौन बदनसीब लोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस पार्टी और महासचिव प्रियंका गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। स्वार सीट से उम्मीदवार हजमा मियां और हैदर अली खान ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपना दल का दामन थाम लिया। बता दें कि हैदर अली खान का ताल्लुक नवाब परिवार से है, वो पूर्व मंत्री नवाब काजम अली खान के बेटे हैं। हैदर अली को कांग्रेस ने स्वार सीट से टिकट दिया था, अब माना जा रहा है कि उन्हें अपना दल से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संभल के गुन्नौर विधानसभा के गांव नंदरौली गांव में फसलों की बर्बादी और आवारा पशुओं के चलते गांव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी के वाहन के आगे आक्रोशित ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को खड़ा कर आक्रोश जताया। वहीं मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव के बेटे अखिलेश यादव सहित 5 के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा बगैर अनुमति चुनाव सभा कर कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज किया गया। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में जिला संयुक्त चिकित्सालय में एनएम का मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया। एनएम सहित लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की, वहीं इस पिटाई का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। पिटाई के बाद चोर को पुलिस को सौंप दिया गया। संभल के कुन्नौर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। वहीं युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवती के परिजनों ने जमीनी विवाद में गाँव के दबंगों पर युवती की हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। ग्राम घोसली मौकम के जंगल में एक बीए सेकेंड ईयर की छात्रा जिसका नाम नीलेश है, इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। पेड़ से लटकी हुई डेड बॉडी हुई थी, अब इसमें वास्तव पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। जैसी भी रिपोर्ट आएगी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सर किसी पर हत्या का भी आरोप लगाना है युवती के आरोप पर हत्या का? पुलिस सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डिपेंड करती है। ये मेरी बेटी है। क्या मामला है यहाँ पर? ये मामला ये खेत का था साहब, ये खेत ये खेत है, ये वो मैं घर नहीं था सवेरे, ये खेत जो गए जो बच्चे मने करने आ गए कि साहब मुझे मत नहीं हो तो फिर जी ये मामला। फिर क्या हुआ? फिर मैं यहाँ झगड़ा हो गया, झगड़ा और बदल के मारा मार कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा यहाँ पर हाँ किस किस ने? ये मलखान सिंह, राकेश, भावेश, प्रताप। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।